हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर के टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को यूट्यूब की चार ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसका आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप इन चार सेटिंग को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, साथ ही जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ आप सभी लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यूट्यूब पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, मैं अपने YouTube अपने फ़ोन में मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे दोस्तों आप कई बार YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं, या आप अपने बच्चे को कई बार अपना फ़ोन दे देते हैं और वो आपका YouTube पे कोई ऐसी वीडियो आ जाती है, समझ लीजिए, जिसे वो मतलब कि बच्चे को नहीं देखना चाहिए। कई ऐसी गंदी वीडियोज़ आ जाती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर बच्चे के हाथ में फ़ोन चला गया तो उसे देखेगा लाजमी। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसके हिसाब जब भी उस सेटिंग को आप ऑन कर देंगे तो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों, आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके दोस्तों, आपने जनरल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे दोस्तों नीचे आके रिस्ट्रिक्टेड मोड है, इसे आप यहाँ से ऑन कर दें। जैसे ही दोस्तों आप इसे यहाँ से ऑन कर देंगे, जो भी ऐसी वीडियो होंगी वो आपके यूट्यूब पर दिखाई नहीं जाएगी। कोई भी ऐसी वीडियो जो होंगी, गंदी वीडियोज़ होंगी, वो नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी सेटिंग की ओर। तो दोस्तों, जो दूसरी सेटिंग है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे दोस्तों आप कभी भी किसी का फ़ोन ले लेते हैं और उसके फ़ोन से वीडियो देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी अदर पर्सन है जिसके फ़ोन से आप देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर वो बंदा अचानक आके आपसे आप अपना फ़ोन मांग लेता है या ले लेता है, तो दोस्तों उसे पता लग जाएगा कि आपने उसके यूट्यूब पर क्या सर्च किया था या क्या आप देख रहे थे उस हिस्ट्री में, वो जाके देख लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वो आपका ये मतलब कि जो भी आपने देखा है वो ना देख पाए, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे लोगों पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टर्न और इग्निटो मोड है दोस्तों, इसे यहाँ से ऑन कर दें। जैसे ही दोस्तों आप इसे ऑन करके कुछ भी देखेंगे, इसकी हिस्ट्री नहीं बनेगी और यहाँ पे कुछ भी आप सर्च करेंगे तो सर्च में ऑप्शन में भी नहीं आएगा। और जैसे ही आपका दोस्त आपसे फ़ोन मांगे, आप यहाँ पे जाके इसे टर्न ऑफ कर दें और उसे ये नहीं पता लग पाएगा कि आपने क्या देखा था और क्या नहीं देखा था। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की सेटिंग है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं या कुछ सर्च करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर कोई दूसरा पर्सन है वो देख सकता है, क्योंकि वो सर्च हिस्ट्री में आ जाता है या जो हमने देखा है वो लास्ट हिस्ट्री में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी देखें या कुछ भी सर्च करें, उसकी हिस्ट्री ना बने, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर लोगों पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी सेटिंग आ रही है, इसे यहाँ से ऑन कर दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है क्लियर वॉच हिस्ट्री। अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं जो भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा। और दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्लियर सर्च हिस्ट्री, यानी दोस्तों आपने जो भी यूट्यूब पे सर्च किया होगा, सर्च करके देखा होगा, वो भी यहाँ से डिलीट कर दें। दूसरी दोस्तों जो सेटिंग है यहाँ पे पॉज वॉच हिस्ट्री है, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो दोस्तों जो भी आप देखेंगे यूट्यूब पे उसकी जो हिस्ट्री है वो नहीं बनेगी। वैसे ही दोस्तों पाउस सर्च हिस्ट्री आ गई, यानी कि जो आप सर्च करके देखेंगे वो भी यहाँ पे नहीं बनेगी, यानी उसकी भी हिस्ट्री नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी कमाल की सेटिंग है, इनका इस्तेमाल करें। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको चौथी और लास्ट सेटिंग के बारे में, जो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों जो चौथी सेटिंग है उसके बारे में आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, आजकल हम जब भी यूट्यूब पे कुछ भी ओपन करते हैं तो दोस्तों जैसे यहाँ पे वीडियो चल लग जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियो है वो दोस्तों यहाँ पे चलने लग जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारे फ़ोन का जो डाटा है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो हमारे फ़ोन की बैटरी है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं कोई वीडियो अपने आप से ना चलने लग जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप एक ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। आप एक सेटिंग लगा सकते हैं जिससे दोस्तों आपका डाटा भी बचेगा और आपकी बैटरी भी बचेगी फ़ोन की। तो उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ लोगों पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की सेटिंग है ऑटो प्ले, यहाँ पे दोस्तों ये ऑन होगा तो इसे आप यहाँ से ऑफ़ कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जब भी अपने यूट्यूब पे कुछ भी देखेंगे,
आप यहाँ पे वो अपने आप चलेगा नहीं, और इससे क्या होगा दोस्तों, आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो भी बचेगी और आपका जो डाटा है वो भी बचेगा। तो दोस्तों ये थी चार सेटिंग जिनके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया है। तो दोस्तों आई होप जो भी जानकारी मैंने आप सभी लोगों को दी है आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।